चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नारियल के लड्डू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मात्र 15 मिनट में ये बन जाती है और जो इंग्रेडिएंट लगे हैं वो भी बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कढ़ाई एक पैन गर्म करने रखेंगे और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच घी। 1 चम्मच से ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है। और 1 चम्मच घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप नारियल का बूरा। ये जो नारियल का बूरा है ये रेडीमेड है, ये आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। आप अगर आप उन्हें बोलेंगे नारियल का बूरा चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ये 3 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है इसलिए मैंने 1 चम्मच ही घी इसमें ऐड किया है। तो घी आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 1 चम्मच ही ऐड करना है। और नारियल का बूरा इसमें डाल के लगभग आपको 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, मीडियम हाई फ्लेम पे। मतलब ना हाई फ्लेम हो और ना स्लो फ्लेम हो, मीडियम हाई फ्लेम पे आपको इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। और जब ये भून जाए तो हमें इसमें ऐड करना है दूध। तो यहाँ पे सेम कप से 1 कप मैंने दूध लिया था और वो इसमें ऐड कर दे रही हूँ। दूध की क्वांटिटी पे आपको 3 कप में 1 कप ही दूध डालना है, दूध बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है वरना जो ये आपका लड्डू है गीला हो जाएगा और आपको इसमें और भी चीज़ें फिर ऐड करनी पड़ जाएंगी जैसे कि नारियल, दूध पाउडर वगैरह। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको 1 कप ही इसमें दूध डालना है, 3 कप में 1 कप दूध डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ में जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें ऐड करना है शक्कर। तो यहाँ पे मैंने सेम क्वांटिटी से 1 कप से मतलब थोड़ा सा कम शक्कर लिया था। मतलब अगर जहाँ पे 6 चम्मच शक्कर लगता है वहाँ पे मैंने 5 चम्मच शक्कर लिया था। शक्कर आप बिल्कुल अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपके शक्कर में पानी ज़्यादा होगा तो वो चाशनी छोड़ देगी तो आपका लड्डू बहुत गीला हो जाएगा। तो आप 2 से 3 चम्मच कम ही शक्कर लीजिए, जिस कप से आपने नारियल नापा है उसी कप से। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके लगभग 5 मिनट तक आपको भून लेना है ताकि दूध और शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट होकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच के लगभग इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और लगभग 2 मिनट तक इसे भून लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस मिक्सचर को ठंडा हो जाने देना है। तो ये मिक्सचर जो है लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ ताकि अगर कढ़ाई थोड़ी गर्म है तो कढ़ाई से निकालने पर मिक्सचर जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना आपके लड्डू बंधेंगे नहीं। और इसके बाद ये थोड़ा सा गर्म हो तो हाथ पे आप जितनी बड़ी या छोटी साइज़ की लड्डू बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर आप अपने हाथ पे लेके ऐसे प्रेस करते हुए हाथ से गोल लड्डू बना लें। या अगर आप चाहते तो आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, बर्फ़ी भी इसकी बहुत ही अच्छी बनती है। बस आपको बर्फ़ी जमा करके फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये सूखा नारियल का बूरा लिया है, इसमें मैं ये लड्डुओं को लपेट दूंगी ताकि ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही अच्छे लगे। तो यहाँ पे देखिए कितने सिंपल तरीके से नारियल के लड्डू बनते हैं। ये जो लड्डू है बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम और भी लड्डू है जो भी बाकी है वो बना लेंगे और बस बना के खाएंगे और क्या। तो इसे बनाना बहुत आसान है और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप इसे बना लें उसके बाद आप इसे फ्रीज में कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए और खाने में और भी टेस्टी लगता है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप सॉफ्ट लड्डू खाना पसंद करते हैं तो आप इसी तरह से खा सकते हैं। और अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही और भी ये अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे लड्डू को मैंने बना लिया है और बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट और यमी लड्डू बन के तैयार हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।